सेंट्रल जेल कराची ने एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन मुतारफ करवा दी है, जिसके इस्तेमाल करते हुए कैदियों के लवाहिकीन फैमिली मेंबरान घर बैठे हुए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 15,000 फैमिलीज इस ऐप से जो है वो बेनिफिट या मुस्तफीद हो चुकी हैं। जो नहीं आ सकते उनके फैमिली मेंबर्स वीडियो कॉल जो है वो करवाएंगे। ये एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, इस एप्लीकेशन से रोजाना कितने लोग अपने प्यारों से जेल में मुलाकात के लिए आते हैं, अब तक टोटल कितने अफराद मुलाकात कर चुके हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल जेल कराची अब्दुल करीम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। हम देखते थे कि जब भी हम आते थे मूमन रिकॉर्डिंग के लिए तो एक लंबी कतार होती थी जो मुलाकात के लिए लोग आते थे। ये कितना अरसा हो गया है इस एप्लीकेशन को, और अब तक कितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, कितने जो प्यारे हैं वो अपने मेम्बरान को मिलने आ रहे हैं? ये ऐप जो है वो इमेजो कनेक्शन की ऐप फरवरी 2024 से काम कर रही है। ऑलमोस्ट कोई 15,000 फैमिलीज इस ऐप से जो है वो बेनिफिट या मुस्तफीद हो चुकी हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी जगह से आ सकते हैं। आप एक ऐप है वो आप डाउनलोड करेंगे, आप घर बैठे एक टोकन नंबर आपको रिसीव होगा और वो आप आके यहाँ पे रिसेप्शन पे बताएंगे हमारे स्टाफ को, जी ये मेरा टोकन है, मेरा रिजर्वेशन है, तो वो आपको बताएंगे कि जी आप बूथ नंबर 100 पे चले जाएं, ना आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, ना आपको वेट करना पड़ेगा। और जो ऑलमोस्ट कोई 2 से 2.5 घंटे लगते थे पहले मुलाकात को, वो विद इन 20 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर मुलाकात हो जाती है। और वो फैमिलीज़ जो बहुत दूर दराज इलाकों से आते थे, उनका सारा सारा दिन लग जाता था, वो बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे थे और वो चाहते हैं कि जी ये हमारे लिए एक समझें कि पाकिस्तान प्रिजन की हिस्ट्री में एक नया बूम लाया है, एक नया रेवोल्यूशन लाया है। रोज़ाना तकरीबन कितने अफराद इसी एप्लीकेशन के इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं? नियर अबाउट 500 तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, मोस्टली डेली 500 प्लस ही होते हैं, प्लस होते हैं जिस दिन का रश होता है, जैसे वीकेंड है या जैसे फर्स्ट वर्किंग डे है, उसमें ज़रा ये रश बढ़ जाता है, फिर वो 700 तक चला जाता है। और ये एप्लीकेशन के ज़रिए मुकम्मल एक कंप्लीट वीक जो है किसी भी दिन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, किसी भी दिन आप जो है वो फ्रॉम वर्किंग डेज जो है मंडे टू थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे ऑल डेज यू कैन गेट द। यही एप्लीकेशन वुमेन जेल और जो चिल्ड्रन जेल है उसके लिए भी एप्लीकेबल है? फिलहाल ये यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन कराची पे काम कर रही है, अब देखेंगे कि जी यहाँ पे उनको कितना फीडबैक मिलता है, देन आफ्टर इंशाल्लाह हमारे ऑनरेबल आईजी साहब का प्लान है और हमारे मिनिस्टर साहब का प्लान है कि हम इनको आगे भी लेके जाएंगे। अब तकरीबन अब तक 15,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मुस्तफीद हो चुके हैं। जी मजीद इसमें एक्सटेंशन के हवाले से आप कुछ सोच रहे हो, आपका कुछ इसके लिए? हमने ये प्लान किया हुआ है कि क्योंकि सेंट्रल प्रिजन एक बहुत ही ह्यूज पब्लिक मास यहाँ पे आते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो हमें एडिशनल बूथ की ज़रूरत है, तो वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल के बेस पे हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है और वो जैसे ही होंगे तो और ज़्यादा फैसिलिटेशंस बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी करेंगे, इंशाल्लाह पाइपलाइन में है कि वो उस बूथ के थ्रू फिर हम उन फैमिलीज़ को जो नहीं आ सकते उनके फैमिली मेम्बर्स वीडियो कॉल जो है वो करवाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी अब जो है वो जो आ नहीं सकते यहाँ पर, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल पर भी बात कर सकेंगे, कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त, हमारे साथ अब्दुल करीम अब्बासी साहब मौजूद थे एसएसपी सेंट्रल जेल कराची, जो कि तफसील से बता रहे थे कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस तरीके से काम करती है और रोज़ाना तकरीबन 500 प्लस अफराद जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, वो ऑनलाइन घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, अब तक 15,000 से ज़ायद अफराद इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और अब मज़ीद ये आगे इसको ये करने जा रहे हैं कि अब वो लोग जिनके प्यारे जेलों के अंदर हैं, घर से आने तक एक बड़ा इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, कुछ ज़्यादा ओल्ड एज के लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो अब घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए भी अपने प्यारों से बातचीत कर सकेंगे।
इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि सेंट्रल जेल कराची अब्बासी साहब का ये जो इनिशिएटिव है, और इसके अलावा हमने देखा कि एजुकेशन के हवाले से जो है वो कुछ रोज़ कबल एक ज़बरदस्त कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। हिस्ट्री में कुछ काम बहुत पहली दफ़ा हो रहे हैं और ये रियली अप्रिशिएटेबल है, और ऐसे ही काम होने चाहिए, और अगर इसी तरह काम होते हैं तो इसी तरह मुआशरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुआशरा आगे बढ़ेगा। अपने मेज़बान से मंशा गुजात जी दिए, अल्लाह हाफिज़।